तो लीजिए, जिस खुशखबरी का इंतजार बॉलीवुड की पंगा क्वीन एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के फैंस ना जाने कितने वक्त से कर रहे थे, उस खास खबर को अब कंगना ने ही जमाने को सुना दिया। आखिर अब कंगना ने ये ऐलान जो कर दिया है कि वो दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना ने अपनी एक हालिया बातचीत में अपने वेडिंग प्लान्स को लेकर खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की डेट तक को लेकर खास हिंट दिया है। यह तो पिछले काफी वक्त से कंगना रनौत के शादी करने की खबरें गॉसिप्स के गलियारों का हिस्सा बनी ही हुई है। ऋतिक से ब्रेकअप के बाद जहां इसी साल लोकसभा चुनावों के बाद एक्ट्रेस का नाम एमपी चिराग पासवान संग जुड़ा, तो कहा तो ये तक गया कि कंगना जल्द चिराग संग घर भी बसा लेंगी। अब ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कंगना किस शख्स संग साथ फेरे लेंगी, लेकिन अब कंगना ने इस बात का खुलासा जरूर कर दिया है कि आखिर वो शादी कब करेंगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक हालिया बातचीत में अपने वेडिंग प्लान्स को लेकर बात की है। वैसे तो इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर बातें की, लेकिन हाईलाइट में उनकी शादी का खुलासा ही रहा। कंगना से जब इस बातचीत में पूछा गया कि क्या वो इसी कार्यकाल के दौरान सात फेरे ले सकती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि उम्मीद तो है, क्योंकि इसके बाद शादी करने का तो कोई फायदा नहीं है और जाहिर तौर पर मैं शादी करना चाहती हूँ। वहीं जब बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना रनौत से पूछा गया कि उनकी शादी की उम्मीद कब तक की जा सकती है, तो एक्ट्रेस ने बात को घुमा दिया और जवाब देते हुए कहा, आप मेरी फिल्म रिलीज कराइए पहले, फिर अगले समय में मैं आपको बताऊंगी। कंगना के इस बयान से साफ है कि वो शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस अब जरूरत है तो उन्हें एक हम सफर की। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि बीते काफी समय से कंगना का नाम युवा नेता चिराग पासवान से जोड़ा जा रहा है, जो उनकी तरह ही राजनीति में है। दोनों ने साल 2011 में मिले ना मिले हम फिल्म में साथ काम किया था। इनकी केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है, हालांकि कंगना ने कई बार ये कहा है कि वो और चिराग सिर्फ दोस्त है। बात कंगना के अफेयर्स की करें तो ये लिस्ट काफी लंबी रह चुकी है। कंगना का नाम शादीशुदा आदित्य पंचोली के साथ भी जोड़ा गया था। आदित्य के तब दो बच्चे भी थे। कंगना ने आदित्य पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं कंगना और ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के रिश्ते से तो दुनिया वाकिफ है। कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से भी जोड़ा जा चुका है। शेखर ने तो एक बार कंगना पर आरोप लगाया था कि वो उनके बेटे पर काला जादू किया करती थी। अब बात कंगना के वर्क फ्रंट की करें तो तेजस के बाद अब एक्ट्रेस को इमरजेंसी में देखा जाएगा। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों के चलते से सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और ये अपनी डेट पर सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। अब इसे 10 चेंजेस और 3 सीन डिलीट करने के आदेश के साथ यूए सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।